रिटन बाय मोतीलाल जोटवानी एंड ट्रांसलेटेड बाय डॉक्टर नंदलाल जोटवानी इसमें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में जो है सिंधी लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे ऑथर मोतीलाल जोटवानी के बारे में पढ़ेंगे उनके काम थीम शॉर्ट स्टोरी नैरेटिव टेक्निक करेक्टर एंड एन ओल्ड वूमेन जो कि वेरी लोनली शी में दिखाई गई हैं ओके नाओ थोड़ा सा सिंधी लैंग्वेज के बारे में बात कर लेते हैं सिंधी इज़ वन ऑफ द रिकोगनाइज लैंग्वेज ऑफ ऑन द एट्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एट्थ शेड्यूल में ये एक लैंग्वेज मानी जाती है इन अनडिवाइडेड इंडिया सिंधी वॉज द लैंग्वेज ऑफ सिंध बट आफ्टर पार्टीशन दैट प्रोविंस बिकेम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान अच्छा सिंधी लैंग्वेज जो है ना वो पाकिस्तान में भी बोली जाती है और अभी पहले सिंध तो आ, इंडिया में था तो अनडिवाइडेड इंडिया में सिंध था ना तो सिंधी लैंग्वेज उस सिंध आ, की थी बट अब नहीं है क्योंकि वहाँ ये जो सिंध पार्ट है ये पाकिस्तान में चला गया है नाओ सिंधी स्पोकन बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु हैव माइग्रेटी टू इंडिया एंड हैव सेटल्ड इन गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान मध्य प्रदेश यूपी एंड डेली इन सब राज्यों में ये सिंधी लैंग्वेज बोली जाती है क्योंकि सिंध में रहने वाले जो लोग हैं वो जब इंडिया डिवाइड हुआ था ना इंडिया पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ था तो वो लोग इंडिया आ गए थे और इन इन राज्यों में बस गए थे यूपी दिल्ली मध्य प्रदेश वगैरह में राजस्थान महाराष्ट्र गुजरात में तो ये लोग जो है ये सिंधी बोलते हैं अमंग द मेजर इंडियन लैंग्वेज इट इज़ द ओनली वन दैट इज़ नॉट द स्टेट लैंग्वेज ऑफ एनी वन पर्टिकुलर स्टेट ये किसी भी स्टेट की लैंग्वेज पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं है मोतीलाल जैटवानी के बारे में बात करते हैं <laughs> मोतीलाल जोटवानी जो है इज अमंग दोज राइटर्स वो आर डीपली कंसर्नड अबाउट द अनसर्टन फ्यूचर ऑफ सिंधी लैंग्वेज एंड लिटरेचर मोतीलाल जोटवानी जो है वो ऐसे आ, आ, ऐसे राइटर्स में से एक हैं जिनको सिंधी लैंग्वेज और लिटरेचर से बहुत लगाव है और उसके अनसर्टन फ्यूचर के लिए वो बहुत कंसर्नड हैं

उसके बाद हम सिंधी सॉरी uh, मोतीलाल जोटवानी जी के बारे में बात करेंगे uh, उनके लाइफ और उनके वर्क के बारे में uh, तो ही वॉज बॉर्न इन नाइनटीन थर्टी सिक्स इन सुक्कर सिंध नाउ इन पाकिस्तान ओके सिंध में ही इनका जन्म हुआ था सुकर नाम की जगह पे 1936 में ही स्टार्टेड लाइफ एज अ प्राइमरी स्कूल टीचर इन डेली बाद में वो डेली में प्राइम टीचर बन गए प्राइमरी टीचर बन गए वर्कड हिज़ वे अप टू बी अ रीडर इन सिंधी इन देश बंधु कॉलेज न्यू डेली ओके न्यू डेली में देशबंधु कॉलेज में सिंधी के रीडर बन गए ही हैज़ रिटर्न इन अ वेराइटी ऑफ जॉनर्स उन्होंने बहुत मतलब उन्होंने काफ़ी वैराइटीज़ में ऐसा नहीं है शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं नॉवल्स भी लिखी हैं पोइट्री भी लिखी है एस भी लिखे है क्रिटिसिजम भी लिखा है एटोबायोग्राफी भी लिखी है टोटल उनके फिफ्टी फाइव वर्कस हैं टोटल फिफ्टी फाइव हाँ वर्कस उन्होंने लिखे हैं ही हैज़ रिटन पर्टिकुलरली इन सिंधी बट हैज़ ऑल्सो रिटन इन हिंदी एंड इंग्लिश में भी उन्होंने लिखा है मतलब तीन लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है He likes to describe himself as an Indianist in his thoughts and writings. वो बोलते हैं कि मैं सिंधी तो हूँ लेकिन मैं इंडियन हूँ पहले उसके बाद मैं सिंधी हूँ उनके वर्क हैं सिंधी में हैं शॉर्ट स्टोरीज हैं हिंदी है हिंदी में भी लिखा है और अप्रोज एंड क्रिटिसिज्म भी है उनका ऐसा बताया जाता है कि डूरिंग अटिंग विद जब एक बार वो इंदिरा गांधी जी से मिले थे तो मोतीलाल जोटवानी ने अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस करवाया था कि मैं एक इंडियन राइटर हूँ जो कि सिंधी हिंदी और इंग्लिश में लिखता हूँ है न आ, जैसे कि इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ उन्होंने बोला था ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज एन इंडियन राइटर इन सिंधी हिंदी एंड इंग्लिश इस पे जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी उन्होंने रिमार्क किया था कि पीपल ऑफ़ योर ट्राइब इंट्रोड्यूस दैम सेल्व एज राइटर्स इन असमीज बंगाली हिंदी कश्मीरी मतलब अपने को एक पर्टिकुलर लैंग्वेज से जोड़ वो बात करते हैं बट आपने ऐसा नहीं किया ओके <laughs> okay. जोटवानी हैज़ रिटन इन अ वाइटी ऑफ लिटरेरी जॉर्न जो कि हमने पहले भी बताया है शॉर्ट स्टोरी नॉवल्स पोइट्री एसेस एंड क्रिटिसिजम आटोबायोग्राफी फिफ्टी फाइव वर्क इन ऑल है ना ही हैज़ रिटन इन थ्री लैंग्वेज सिंधी इंग्लिश एंड हिंदी बट ही हैज़ रिटन मोर इन सिंधी दैन इन आदर इंग्लिश और हिंदी मतलब उन्होंने उनका ज़्यादा काम सिंधी में रहा है एंड हिज वर्क वर्क हैव अर्नड प्रेज फॉर नॉलेजेबल क्रिटिक्स हाँ ओके अमंग अदर थिंगस हीज पब्लिश्ड फोर कलेक्शन ऑफ पोएट्री फोर कलेक्शन ऑफ शार्ट स्टोरीज एंड ऑल्सो फोर शार्ट नावल्स फोर 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 ओके नाओ हीज बुक ऑन शाह अब्दुल करीम एंड शाह अब्दुल लतीफ एंड सुफीज ऑफ सिंध हैव वन क्रिटिकल एक्लेम बहुत ही पॉपुलर हुई हैं उनकी ये बुक्स उनकी अगर हम इनकी पोइट्री की बात करें तो इनकी जो फ्यू जो सिंधी पोइट्स हैव रिच वैरायटी बहुत कम ऐसे सिंधी पोइट्स रहे हैं जिनके पास रिच वैरायटी हो उस थीम्स की है ना लेकिन चोटवानी जो थे उनके पास बहुत ही बढ़िया एक कलेक्शन बहुत ही अच्छे थीम्स रहे हैं उनकी अपने पोइम्स के लिए आ, इसमें ना एक उनके न, शॉर्ट स्टोरीज़ के बारे में बात हुई है जैसे कि कोथ करके है के ओ टी एच कलेक्शन ऑफ शॉर्ट नॉवल्स एंड सेवरल शॉर्ट स्टोरीज़ इसके बारे में बताया गया है कि वो हाईली रीडेबल है एंड हिज लैंग्वेज राइप म्योचर एंड जेनवन बहुत ही अच्छी अच्छा इसको इनका वर्क माना जाता है uh, कोथ जो है वो एक ईस्ट वेस्ट एनकाउंटर की स्टोरी है एंड लुक्स एट द प्रॉब्लम ऑफ वुमेंस लिब फ्राम द लिब्रेशन होगा शायद है ना फ्रॉम द वमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू है न एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली गई है कि एज अ राइटर मोतीलाल जोटवानी ने अपने लिए हैज़ मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ अपने लिए उन्होंने नाम कमाया था बट uh, कुछ लोग जो है वो उनके अगेंस्ट थे या अनसिम्पेथेटिक थे टूवर्ड्स हिम तो उन्होंने बोला था कि ही इज़ अंधी राइटर टू द हिंदी uh, पीपल जैसे कि हिंदी पीपल है उनके लिए वो सिंधी राइटर थे और हिंदी राइटर्स के लिए वो <coughs> और हिंदी राइटर्स से सिंध रीडिंग पीपल के लिए जो सिंध में लोग रहते थे या जो सिंधी लोग हैं इंडिया में उनके लिए वो हिंदी राइटर्स हैं मतलब उनको कभी भी सिंधी लोगों ने अपना नहीं माना कि हाँ जी ये सिंधी राइटर है इसीलिए बोला क्या गया है बोला गया है कि सिंधी राइटर्स के लिए वो एक हिंदी राइटर सिंधी रीडिंग पीपल के लिए वो एक हिंदी uh, राइटर थे और हिंदी पीपल के लिए वो एक सिंधी राइटर थे है ना uh, मतलब अपनापन नहीं उनको मिल पाया है ना एंड एन इंग्लिश नोइंग स्कॉलर टू बोथ ऑफ देम और हिंदी uh, पीपल के लिए और सिंधी पीपल के लिए वो एक इंग्लिश नोइंग स्कॉलर थे ही रिमेन्स सम वॉट डिससेटिस्फाइड विद

थैंक यू सो मच नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेरी लोनली शी स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे थैंक यू सो मच